देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसी में से हम लोग 1.3 तक बना चुके हैं। एचसीएफ निकाला था प्रमेय द्वारा, इसके बाद और भी बनाए हैं, और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 बनाएंगे। 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना क्या बताना है आप लोगों को, निम्नलिखित भिन्न का जो भिन्न जो दिया है निम्नलिखित, तो इसे दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत भी दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो हम यही देखेंगे इस सवाल में, बिना लंबी भाग किए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए पहला दिया है 13/3125। तो पहले हम लोग सवाल बनाने से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी जानेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी का सवाल बन जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस सवाल को बनाने से पहले दो रूल है। पहले कहता है कि यदि दिया गया भिन्न इस रूप में हो, x/y के रूप में हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यदि भिन्न x/y के रूप में रहे, अंश बटा हर के रूप में रहे, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर क्या है भाई, यहाँ पर हर क्या है 3125। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर रूल 1 कहता है, नियम 1 कहता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि उस 2m या 5m या 2m/5m के रूप में आए, इस रूप में आए 2m या 5m या 2m/5m के रूप में आए, अगर इस रूप में आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। और नियम 2 कहता है यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2m/5m के अलावा आ जाए, 2m/5m के अलावा में दूसरा आ जाए, 2m के बाद 3 आ जाए, फिर 3 या 7 आ जाए, यदि क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो 13/3125 है, 3125 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 5 से गया 625 बार में, फिर 5 से गया 25 बार में, फिर 5 से गया 5 बार में, फिर 5 से गया 1 बार में। तो 3125 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5×5×5×5×5, यानी कि 5 का पावर 5 आ गया। 5 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका हर क्या है, 3125, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश, हर का अभाज्य गुणनखंड किए 5 के पावर 5 आ गया, तो 5m के रूप में आ गया। और नियम 1 यही ना कहता है यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करे 2m के रूप में आ जाए, या अर्थ होता है या मतलब कि दूसरा आ जाए, 5m के रूप में आ जाए। तो देखिए यहाँ 5m के रूप में आ गया है, 5 के पावर 5 है, तो 5 हो गया बेस, पावर क्या हो गया, m मान लिया हम 5 दिया है। तो देखिए हम लोग यही लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5m के रूप में आ गया, किस रूप में आ गया, 5m के रूप में। इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बनाना है, बनाइए 3/16 का दशमलव प्रसार बताइए, 3/16 का दशमलव प्रसार, ठीक, 3/16 का दशमलव प्रसार। इसका हर क्या है, 16 है, तो 16 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालिए, 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, कितना आ गया, 2 के पावर 4 आ गया। हम लोग हर का 16 का हर है 16, और 16 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 के पावर 4 आ गया, तो 2m के रूप में आ गया। देखिए 2m के रूप में आ गया। तो नियम 1 यही कहता है यदि हर का अभाज्य भिन्न के रूप में दिया रहे, x/y के रूप में, सवाल x/y के रूप में रहे और दशमलव प्रसार पूछे इसका, और तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के 2m के रूप में आ जाए या 5m के रूप में आ जाए या 2m/5m के रूप, 5m के रूप में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो देखिए यहाँ 5m आया था, यहाँ भी शांत हो गया, 2m आ गए तो ये भी शांत हो जाएगा, या 2m/5m के रूप में जाए तो भी शांत हो जाएगा। 3/16 क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पहला सवाल हम लोग बनाए शांत है,
इसी प्रकार एक से लेकर दस तक है, पहला कार्य एक से लेकर दस तक है, ये आप लोग इसी आधार पर बनाना है आप लोग को, आप लोग बनाइएगा ठीक। यहाँ तक हम लोग देखें और अगली वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ठीक। ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, चलिए।